अरुणाचल प्रदेश फोटोग्राफी क्लब आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर मंच रखा हुआ है द प्लेटफॉर्म, जिसमें एवेन्यूज, अपॉर्चुनिटी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी। इस कार्यक्रम में जो है अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने कामयाबी हासिल की है ऐसे लोगों को बुलाकर जो है यहाँ पर उनसे कुछ सलाह मशवरा ली जाती है ताकि आने वाला युवा जो है उससे कुछ सीख सके। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये कार्यक्रम रखा हुआ है, खासकर हमारे युवाओं के लिए। हम लोग बोलते हैं ना आत्मनिर्भर अरुणाचल और आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, तो ये आत्मनिर्भर अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए अरुणाचल जो है फोटोग्राफी क्लब ने एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। ये कार्यक्रम जो है 7 को चलाता और आज जो है इसका आखिरी दिन है और हमें यह खबर मिला है कि आज के समापन समारोह में जो है मामा नातों जो कि यूथ अफेयर्स के जो मंत्री हैं वो आएंगे, उसके बाद जो है युवाओं को जो है संबोधित करेंगे। अगर इसके बारे में हम लोग कहेंगे तो ये जो है बहुत खूबसूरत एक कार्यक्रम है, खासकर युवाओं को जो है बताने के लिए कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होना है, आप अपने से अपने क्षमता से कैसे आगे बढ़ सकता है, या फिर जिन्होंने अपने क्षमता से जो है कामयाबी हासिल की है उनसे आप कैसे सलाह ले सकते हैं, उनसे आप एडवाइस कैसे ले सकते हैं। इस कार्यक्रम को जो है द प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि एक मंच, ऐसे मंच जहाँ पर जो है युवाओं को जो है सलाह देने के लिए युवा आप यहाँ से एडवाइस ले सकते हैं। यहाँ के जो कार्यक्रम जो रखा गया है उसका अंदर हम लोग चलेंगे, यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम जो फोटोग्राफी क्लब जो है बनाया हुआ है उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट्स देंगे। द प्लेटफॉर्म एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट फोटोग्राफी एग्जीबिशन, यानी ये फोटोग्राफी एग्जीबिशन इसीलिए क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज किया है अरुणाचल फोटोग्राफी क्लब। आगे हम लोग यहाँ चलते हैं कि जो अरुणाचल का जो फोटोग्राफी जो क्लब है ना, ये अपने तरफ से जो जो फोटो खींची हुई है उसको अरुणाचल के बारे में, तो उसको यहाँ पे प्रदर्शनी के तौर पर रखा हुआ है। आगे हम लोग यहाँ चलेंगे तो आपको यहाँ पर खूबसूरत बहुत सुंदर फोटो जो दिखाई देगा, जो कि ये सेला तोप यानी सेला पास का फोटो से आप इसको देख सकते हैं। ये इस प्रकार का जो है फोटोस जो अरुणाचल फोटोग्राफी क्लब ने खींचा है उसको यहाँ पर सुंदर तरीके से जो है दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये भी एक तरफ से किसी भी इंसान के लिए अपना एक जो है जिज्ञासा होता है ना कि किसी क्षेत्र में काम करने के लिए, और फोटोग्राफर भी और फोटोग्राफी भी एक ऐसे कला है जो आपको फोटो खींचने के लिए जो है उत्साहित करता है कि आप किस प्रकार का फोटोस खींच सकते हैं। तो इसका भी दरअसल कंपटीशन होता है नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में इसका भी कंपटीशन होता है और ये भी रोजगार का ही एक जरिया है। तो ये फोटोग्राफी अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे तस्वीरें खींची हुई हैं लोगों का जो है, जो अरुणाचल फोटोग्राफी जो क्लब है उन्होंने खींचा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ आप इतना देखेंगे तो ये है, तो इसको एक तरफ से एग्जीबिशन के तौर पर रखा हुआ है ताकि जो भी यहाँ पर आए वो देख सके। तो हमने शुरू में कहा है कि फोटोग्राफर बनना भी एक रोजगार है और आप इसी फोटोग्राफर से है अपना ज़िंदगी बना सकते हैं। और आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना होगा, तो ऐसी जगह में नेशनल इंटरनेशनल लेवल में ऐसे फोटोग्राफर्स को जो है हायर की जाती है ताकि अच्छा अच्छा जो फोटो खींचता है ना उसको अपने साथ रखता है। तो ये एक तरफ से रोजगार है और ये लोगों का भी एक जिज्ञासा होता है कि एक फोटोग्राफर बनने के लिए या फिर एक वीडियोग्राफर बनने के लिए एक जिज्ञासा होता है, उन्हीं में से एक ये अरुणाचल फोटोग्राफी जो क्लब है ये अपना एग्जीबिशन यहाँ लगा हुआ है और उन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है द प्लेटफॉर्म। तो इसी द प्लेटफॉर्म के जरिए ही यूथ को आगे कैसे बढ़ना है तो ये जो है सिखा रहा है। आगे हम चलेंगे जहाँ पर दूसरा जो स्टॉल और एग्जीबिशन लगा हुआ है उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। यहाँ पर एक स्टॉल बनाया हुआ है बहुत सुंदर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं चेन स्मोकर होता है या फिर जो मतलब ज़्यादा जो गलत चीज़ लेता है ना, तंबाकू लेता है, उनके लिए एक ये बनाया हुआ है ताकि यूथ जो है यहाँ आ करके जो एडिक्ट वाला है ना यहाँ आ करके पूछताछ कर सकता है कि जो आप जैसे तंबाकू लेते होंगे या फिर सिगरेट पीते होंगे उसको कैसे छुटकारा ले सकता है। तो यहाँ पर आराम से आप रजिस्टर करने के बाद जो है डॉक्टर से जो है सलाह मशवरा ले सकता है, यानी जो है आप उसे काउंसलिंग किया जा सकता है। द स्मोकर्स बॉडी, ये देखो इसको जब देखने के बाद कभी कभी ऐसे होता है ना लोग जो है सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, खासकर जो टंबाकू को लेकर के या फिर जो हम लोग बोलते हैं अल्कोहल को लेकर के ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका लाइफ जो है शॉर्ट हो जाएगा। तो उसी को बताने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टॉल लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट जो है टेबाको कंट्रोल सेल ICR यानी कैपिटल रीजन का है। ये जो है फ्री निकोटीन स्क्रीनिंग होता है, कम काउंसलिंग होता है, यहाँ आपको आना चाहिए। आजकल युवा क्या हो गया कि जो अच्छा काम होता है उसमें कम लोग जाता है,
पता नहीं, ये हो सकता है कि उनको पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी, ये अलग बात है। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर अगर आपको कहा जाएगा कि आपको कहीं म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है या फिर कहीं आपका सिंगर आया है, उसका प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें पूरा युवा पहुँच जाता है। तो ऐसे अच्छा जगह में भी आने के लिए सोचना चाहिए कि उसमें आपके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। जो खासकर जो गलत काम करता है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि यहाँ आ करके जो है आराम से अपना जो स्क्रीनिंग करवा सकते हैं कि आपको जो, जैसे कि आप अल्कोहल एडिक्ट है या फिर जो है सिगरेट पीना जो एडिक्ट है, तो आप आराम से यहाँ पर काउंसलिंग डॉक्टरों की तरफ से आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छा यहाँ का जो है द प्लेटफॉर्म, जहाँ भी ये अरुणाचल फोटोग्राफी क्लब ने जो रखा है ना, यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि आपको हमने बताया। यहाँ अगर हम लोग जाएंगे तो आपने शुरू में भी कहा अरुणाचल फोटोग्राफी क्लब, मतलब कि जो यहाँ पर अगर कोई जानना चाहेगा तो उनका जो है जो इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग बोलते हैं कैमरा या फिर जो जितना भी जो यूज़ होता है, लेंस वगैरह जो यूज़ होता है, या फिर ये आप देखेंगे ड्रोन है, तो ये फोटोग्राफर्स लोग के लिए जो क्लब, जो जितना भी अरुणाचल का जो फोटोग्राफर्स जो मेंबर है, उनका जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके बिना ये लोग आगे काम नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है जो भी यूथ्स आएंगे उसको बता सकता है कि आप जो है ऐसे कैमरास ले करके या फिर आप कैसे, अगर आप जो है अगर शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो ये ऐसे रखी हुई है जिसको कि आप आराम से यहाँ पर पूछताछ करके जो है एक फोटोग्राफर बन सकता है। और एक फोटोग्राफर मैंने शुरू में बताया, ये भी एक किसी का शौकीन है और ये रोज़गार भी देता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे फोटोग्राफर बन जाता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। फोटोग्राफर बनने के लिए भी आपके पास जो है काबिलियत होना पड़ता है, हर चीज़ को करने के लिए काबिलियत बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग का तीसरा स्थल है, तीसरा स्थल का हम लोग बात करेंगे MS अरुणाचल बैम्बू, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ का लोकल जो है हमारा इंटरप्रेनर है, ये जो है अरुणाचल बैम्बू जो चलाता है, ये NGO होगा, इनिशिएट अंडर द अरुणाचल प्रदेश बैम्बू रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एजेंसी एंड स्टेट बैम्बू मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर विथ एवेस सोसाइटी, ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा कि बेम्बू से बना हुआ जितना भी प्रोडक्ट्स है आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर है। आजकल क्या हो गया कि 21st सेंचुरी में हम लोग जो है अपना पूर्वज को जो है भूल रहा है, पुरखों को भूल रहा है कि हम लोग कहाँ से आए थे और हम लोग उस समय क्या इस्तेमाल करते थे, और ये वो जरिया है जिससे हम लोग बड़े हुए हैं। हम ही नहीं, हमारे जो है माँ पिताजी भी इसके वजह से ही बड़ा हुआ और हमको पैदा किया है। तो हमको मुड़कर भी देखना चाहिए कि हम पहले क्या थे। तो उस समय पुरखों के समय में यही बेम्बू को जो है इस्तेमाल करते थे, आप चाहे खाना खाने के लिए हो या फिर हमारा जो लोकल अपुंग हम लोग बोलता है उसको पीने के लिए हो या फिर खाने के लिए हो, यहाँ से कुछ निकलता है जो हम लोग उसको जो बेम्बू सूद बनता है ना वो निकलता है, तो ये उसी से ये खाने के साथ भी खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और इसको जो है ऐसे सामान बनाने के लिए भी यूज़ कर सकता है। और अरुणाचल को इसलिए भी जाना जाता है कि 80% जो है ना हमारा जो है फॉरेस्ट लैंड है, और उसी फॉरेस्ट लैंड में से बेम्बू एक है कि बेम्बू हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और उसी बेम्बू को है यहां तक कि असम में भी हम लोग यहां से जो है बेचते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं। तो ये बेंबू का ही एक नजारा है कि आप देखेंगे ये ग्लास बनाया हुआ है, ये प्योर बेम्बू से बनाया, लेकिन अंदर में स्टील ज़रूर लगाया ताकि इसको जो है सेफ्टी दे सके। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग पूछेंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ पर ग्लासेस है आपको, ये है लोकल जो इस्तेमाल करता है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये सामान रखने के लिए या फिर कुछ भी रखने, देखिए ये आप देख, इसको क्या बोलते प्लक है ना, प्लक, हम लोग प्लक्स आजकल क्या है बाहर से मेड किया वाला कोई इस्तेमाल करता है, करना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन अपने यहाँ पे जो बनता है उसको भी लोगों को अगर बताया जाता है ना बहुत अच्छा होगा। इसको अगर आप लेके चलेंगे तो लगेगा कि हाँ ये पूरा बेम्बू से बनाया हुआ है। तो इसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, और इसको प्रमोट करने के लिए सरकार तो साथ देती ही है, लेकिन बाहर से जो हमारे जो लोकल जो भी पब्लिक होता है उनको भी ऐसे सामान को खरीद कर जो है अपना घर में इस्तेमाल करना चाहिए। ये केवल घर में यूज़ करने के लिए नहीं, इसको आप घर में एक सुंदरता दिखने के लिए भी आराम से आप हैंग करके रख सकते हैं। ये दोनों तीन बहुत सारे जगह में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप लोगों का ये जो है, आप लोग उसका एम्प्लॉय है सब लोग, आप लोग गवर्नमेंट से है या फिर गवर्नमेंट से है ना, तो हाँ तो इसको अगर ये परचेस करना होगा इसका दाम कम होगा। हाँ सर, बहुत अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है, मतलब फॉर एग्जांपल इसको अगर हम लोग लेंगे इसका कीमत कितनी, आपका ये है 350 में आपका ये है। हाँ जस्ट डिजाइन आप, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ये है, ये ए भी लिखा हुआ है, इसका मतलब अरुण भूमि, हाँ ये ए भी लिखा हुआ है, मतलब यह अभी मेरा एक ब्रांड मिल गया, ए भी लिखा है मतलब अरुण भूमि, हम लोग इसे मान के चलते हैं। चलो तो ये गवर्नमेंट का है तो इसमें अफोर्डेबल प्राइजेस आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ प्राइस से मतलब नहीं है, यहाँ ये मकसद जानना ये ज़रूरी है कि
बंबू से कितना सामान प्रोडक्ट हो रहा है, कितना सामान बन रहा है, ये तो जरूरी है ना। और इसको जो भी गवर्नमेंट जो चला रहा है या फिर जो इसका एनजीओ है, तो इस प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है ये काबिले तारीफ है, बंबू से जो बना हुआ है। ये तो केवल छोटा चीज़ है, अगर हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल मिलेंगे, डेस्क मिलेगा, जो भी बैठने के लिए डस्टबिन, ये बहुत सुंदर है, ये डस्टबिन है ना। चलिए ये डस्टबिन है लोकली, मतलब बेम्बू से सर, ये हाँ, तो इसको हम लोग अपना घर में आराम से रख सकता है, जो घर सुंदर सुंदर बनाता है उसके घर में आराम से, ऑफिस में भी काम आएगा। अच्छा, तो ये देखिए, ये जहाँ पर यहाँ बैठ के जो है शाम को आराम से आप बैठिए। हाँ, तो ये देख लीजिए, इतना सुंदर है, तो इसको तो प्रमोट करना जरूरी है ना कि हमारा इस प्रकार बनता है। तो इसका कीमत कितना होगा सर? इसका अराउंड, ये पूरा सेट में सर इसका 1500 तक चला जाता है सर। इतना कम है, अगर ऐसे ही चीज़ अगर हम लोग मार्केट से खरीदेगा 15,000 से कम नहीं होगा, है ना, 15 तक। क्योंकि हाँ, ऐसे अलग बात है कि वो ज़्यादा मजबूत भी हो सकता है, ये भी बहुत मजबूत होता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा है क्या है कि ये लोकल बंबू है, तो इसे कुछ साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। और ये अगर जब ख़राब भी हो जाता है ना, ये आराम से जो मिट्टी में सड़ जाएगा, है ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ हो सकता है कि यहाँ में जो खिली लगा हुआ, खिली भी नहीं लगा हुआ है सर, हाँ, यहाँ खिली भी नहीं है, इसको आप लोग हो सकता है खिली सोच रहा होगा, ये खिली भी नहीं है। हाँ, तो ये जो है अगर ख़राब हो जाएगा, ये मिट्टी में एकदम सड़ जाएगा, तो मतलब कोई भी ये एक तरफ से अपना जो है इन्वायरमेंट को ना कभी भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना सर? तो ये है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है जो भी डिपार्टमेंट है। हाँ, चलिए, तो ये है, तो यहाँ हम लोग आगे आएंगे, ये देखिए, ये तो हमको लगता है कि ये तो सीएम लोग का घर में होना चाहिए और मंत्री लोग का घर में होना चाहिए। तो ये आप देख सकता है, ये कितना सुंदर है। तो ये एक तरफ से हमने शुरू में जिसे कहा है कि अरुणाचल जो फोटोग्राफी जो क्लब है ना, ये भी ये लोगों को मंच दे रहा है स्टॉल लगाने के लिए। तो यह एक काम में 10-15 काम हो रहा है अरुणाचल फोटोग्राफी क्लब का, तो द प्लेटफॉर्म तो चल ही रहा है, और उसमें जो है स्टॉल जो लगाया है ये काबिले तारीफ है, और सरकार का भी है, उसके बाद प्राइवेटली भी यहाँ पर लगाया हुआ है, ताकि हमारे युवा जो है यहाँ पर आ करके कुछ सीख सके कि यहाँ पर कैसे आपको आत्मनिर्भर अरुणाचल बनना है, इसको फोकस किया हुआ है ये प्रोग्राम जो है ना। तो हम लोग आगे चलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सुंदर स्टॉल लगाया, ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी जिसे बता रहे हैं, ये सोफा सेट है, तो इसमें कुशन डाल सकता है आराम से, कुशन डाल सकता है। ये देखिए, इतना सुंदर है, जो एमएस अरुणाचल बेम्बू जो भी एनजीओ से ना और जो गवर्नमेंट से टाइप है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ऐसे काम करने वालों को प्रमोट करना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर अरुणाचल का ही ये एक हिस्सा है, और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो अरुणाचल में जितना भी जो चीज़ निकलता है हमारे यहाँ पर, जो लोकली जो निकलता है बेम्बू, खासकर बेम्बू की जब हम लोग बात करते हैं, तो बेम्बू से बहुत सारा चीज़ जो है प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, और ये इंटरनेशनल नेशनल मार्केट आराम से हो सकता है। जब ये इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगा तो आप समझ के देखिए कि अरुणाचल का रेवेन्यू जो है कितना जनरेट होगा, तो इसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है बेम्बू का, हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर है, ये आप देखिए, आप अपने घर में रख करके आराम से बैठ के चाय पी सकता है। इसका कीमत भी बहुत कम होगा सर, सेम रहते सब, इसका भी ऐसे ही है। हाँ, इसका सर सेट में आता है, ये सेट में आता है, 25-30 के अंदर सबसे। ओके ओके, ये दो मिलेगा, सब बहुत बढ़िया है, इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये है यहाँ पर डस्टबिन, हमने से शुरू में बताया, और हम लोग यहाँ पर एक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैवल जितना जो बनता है ना, उसको जो फोकस करने के लिए कोशिश किया गया है। तो ये आप देखेंगे, ये क्या कहा है, वांगचो का ना, वांगचो, ये लोग आप लोग खुद बनाता है? खुद बन, जो है औरत लोग, हाँ, ग्रुप का। अच्छा अच्छा, ओ क्या क्या औरत लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप ना, हम लोग के जी एस नाम इसलिए है कि जी जी ओके जी। तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम लोग वुमेन की जब बात करते हैं ना, तो ये भी वांगचो ट्राइब का अपना एक प्रोडक्ट है कि लोकली जैसे बनाया जाता है, उसको भी यहाँ पर स्टॉल में लगा हुआ है, यहाँ पर एग्जीबिशन हम लोग कह सकते हैं। अब ये अफोर्डेबल प्राइजेस है, अगर उनको बराबर देना है, तो ऐसे वुमेन जो काम करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है, उनको अगर बराबर देना है, तो आपको यहाँ आ करके जो स्टॉल में लगा हुआ ये सामान को देखना चाहिए, लोकली इन्होंने खुद बनाया है। तो इसका प्राइस कैसे है, अफोर्डेबल है सब? हाँ, ये सब 2-300 होता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि बीट में हार्ड रॉक, हाँ हाँ, इसमें ना, इसमें ना, हाँ, ओके, लेबर ज़्यादा है जी जी, और ये सब का
जो यहाँ का प्राइस है उससे काफ़ी कम है क्योंकि रूरल वहाँ से प्रोडक्शन है और ये सब जो है नॉट अबव 1000। ओके ओके, ये ना, चलिए ये आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़िए ना। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जब युवा लोग, यूथ लोग जब ऐसे काम करता है जो अपना प्रोडक्ट को जो है बराबर देता है ना, तो उनको साथ देना चाहिए। ये लोग आगे बढ़ेगा तभी तो अरुणाचल भी आगे बढ़ेगा, और अरुणाचल आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो ज़रूरी है कि इनको कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और आपको यहाँ पर आना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, ये आखिरी है। ये क्या है सर? ये दीदी जी के वही है। हाँ दीदी, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग देता है। बहुत अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को फ्री ट्रेनिंग देता है। मेरा प्लेसमेंट भी करते हैं जी, प्लेसमेंट 100% है। अलग अलग पीआई है, डीडीयू जीकेवाई कॉमन है, अलग अलग पीआई है। उसमें मेरा 6 मंथ का है, इसका 4 मंथ का है, मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का है। उसमें आपको हम लोग डोमेन और नॉन डोमेन बोलता है, डोमेन में आपको मोबाइल रिपेयरिंग का सिखाएगा, नॉन डोमेन में आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिखाएगा। उसके बाद सॉफ्ट स्किल सिखाएगा, 3 सब्जेक्ट सिखाते हैं हम लोग फ्री, आपको ट्रेनिंग है। अच्छा, ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका भी है ये स्कीम भी है? इसके अंदर भी है। इसके और क्या क्या है जी? इसका अंदर सेंटर का ये लीफलेट है। जी जी जी, कॉल कर सकते हैं, या मेरा नंबर है। और 2 सेंटर से आए हैं, एक जो आपका बगित नली में है। हाँ दादी हम जो ओके 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 दादी हम, और आपका स्मार्ट ब्रांच। हाँ स्मार्ट ब्रांच, तो इसको समझना होगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ऐसे अरुणाचल में बहुत सारे हैं जिसमें ऊपर में लिखा हुआ है मोबिलाइजेशन कम अवेयरनेस कैंप ऑन दीनदयाल। यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ होगा? स्मार्टफोन असेंबली टेक्नीशियन 7 मंथ्स, यानी आप यहाँ पर आके पूछताछ जब करोगे तो आपको इसके बारे में या फिर 7 मंथ कोर्स करने का जो है जानकारी जो है ये लोग आपको देंगे। फ्री फूडिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़, फ्री स्टडी मटेरियल्स एंड द यूनिफॉर्म, 100% जॉब असिस्टेंस आफ्टर ट्रेनिंग। मतलब इसको सीखने के बाद जो है आप आराम से 100% बोल सकता है कि आप जॉब प्लेसमेंट में चले जाओगे, मतलब ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं। मतलब जी, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन आफ्टर कोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे आपको, ओनली फॉर द BPL कैंडिडेट्स एंड एज बिटवीन 18 to 35। BPL कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, CHG सर्टिफिकेट, anyone, मतलब दिखाना पड़ेगा जब भी इसको बोलता है। तो ये है, खासकर ये उन तमाम लोगों के लिए है जो BPL फैमिली से होता है। हम लोग बोलते हैं ना बिलो जो पॉवर्टी लाइन होता है उसके नीचे जो लोग रहता है, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहता है, उनको जो है ये एक तरफ से जो है जॉब प्लेसमेंट के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेन करता है। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर हमारे यूथ को आ करके पूछताछ करना चाहिए। और अभी के समय में तो बहुत सारे जो कैपिटल रीजन में हमारे यूथ जो है काम के लिए भटकते हैं, ऐसे ट्रेनिंग के लिए भटकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा खबर है कि जब आप इसके बारे में आपको पता लगाएंगे तो आपके लिए ये जो है ट्रेनिंग करने के लिए, आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए, और आपको ट्रेन करेगा ये लोग। तो इनको पूछताछ करना चाहिए। आपका ऑफिस कहाँ में है? जी सर, मेरा चिंपू 1 में। और आपका ऑफिस? हम लोग का बागेतिनली। सो आपने सुन लिया होगा, इनका ऑफिस जो है चिंपू 1 में है और इनका जो है बागेतिनली में है। हाँ, लड़का लड़की आप लोग का दोनों है, एज लिमिट एज ग्रुप वही होगा। हाँ ठीक, तो ये भाई साहब का जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा उसमें लड़का लड़की दोनों के लिए, लेकिन एज वही है 18 से लेकर के 35। तो इनका जो है केवल लड़का है ना, केवल लड़का है, एज ग्रुप 18 से लेकर के 35। अगर ये खबर जो है आप तक पहुँच रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा खबर है कि आपको इनके पास जा करके आगे क्या करना चाहिए। खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बैठा है ना, ऐसे पढ़के जो बैठा है, उनके लिए अच्छा खबर है। तो आप यहाँ जा करके जो है पूछताछ कर सकता है। तो ये है यहाँ का जो है अरुणाचल फोटोग्राफी जो क्लब ने जो है द प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया है, और इसके अंदर ही ये जो इस प्रकार का एग्जीबिशंस और ऐसे स्थल खोल के रखा हुआ है ताकि युवाओं को जो है काम आ सके। तो एक बात ये भी बताना ज़रूरी है कि जो द प्लेटफॉर्म है जो अरुणाचल फोटोग्राफी क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें जो है एवेन्यूज को यानी यूथ को कैसे रास्ता दिखाना है, और दूसरा जो है अपॉर्चुनिटीज़, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में बताया जाएगा। तीसरा जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम लोग बोलते हैं ना कि आप दूसरा से डिपेंडेंट नहीं हो करके सेल्फ एम्प्लॉय कैसे बनना है, यहाँ आपको सिखाया जाएगा और सिखाया गया है। और आज इसका जो है आखिरी दिन है, और आखिरी दिन में हमें खबर मिला, हमने शुरू में कहा है कि
जो प्रदेश का यूथ अफेयर्स के जो मंत्री है मामा नातुंग आएंगे और इसके जो है समापन समारोह को संबोधित करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय में भी अगर अरुणाचल फोटोग्राफी क्लब जो है इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सीखने का बहुत चीज़ मिलेगा। खासकर द प्लेटफॉर्म की जब हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर एक ऐसे मंच जहाँ पर युवाओं को जो है मौका दिया जाता है। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, हम लगातार ऐसे खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।